शुक्रवार को नूरपुर के भटवार में पुलिस पेंशनर्स कल्याण संघ जिला कांगड़ा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मचारियों की दिक्कतों व मांगों पर विशेष चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए संघ के चेयरमैन आनंद दीमान ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सबसे अधिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मेडिकल बिल का भुगतान नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि जिस तरह एक्स सर्विसमैन के लिए ECHS खोली गई है, उसी तरह पुलिस कर्मचारियों के लिए भी ऐसी एक संस्था खोली जाए। और उसमें हमारी टीम हमारे जो फ्यूचर है अगली मीटिंग का और जो भी पुलिस विभाग की सेवानिवृत्त से कल्याण से संबंधित जितनी जो है समस्या है उसको हम सुनते हैं और कई प्रकार के जो मुद्दे होते हैं कई मुद्दे ऐसे हैं पुलिस अधीक्षक करने के अपने कई जो है के लिए होते हैं कई सरकार के लिए अकॉर्डिंगली हमारी शूटिंग जाती है और आज भी हमारे बहुत सारे मुद्दे उठे हैं जैसे हमारे खास डायर है उनको विशेष रूप से आपके हेल्थ इशू हैं कि बहुत सारे हमारे पेंडिंग मिल रहते हैं काफ़ी बीमारियों से कई लोग पीड़ित हैं समय पर उसका जहाँ नहीं होता है उनका इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं बार बार और ये कह रहे हैं कि जो जैसे CGHS स्कीम है या आर्मी जो PCHS है उसी पैटर्न पर जो है स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है होनी चाहिए और हमारा पुलिस मुख्यालय इस पर काम भी कर रहा है किसान से बात भी की। दूसरा हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु होती है वो सम्मानपूर्वक एक अंतिम संस्कार की विदाई हो उसकी इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है जहाँ से जो हमारे निर्माण होता है वो वहाँ आए उसमें सेशन होता है उसमें शामिल हो ले उठे हैं और सम्मानपूर्वक विदाई दें। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।